गंगा। साहब यहाँ कैसे चले आए तुम? पहले ऐसा लगा ये वादियां मुझे पुकार रही हैं, फिर लगा इन मीठे झरनों की तान होगी, पर यहाँ तो सब सिमट कर तुम में आ गई है। तुम किसी अपने को पुकार रही थी ना? साहब पहाड़ों में कहते हैं सच्चे दिल से जिसे पुकारो वो जरूर आता है। पर तुम्हें किसका इंतजार है? साहब जो मन में हो पर सामने ना हो उसी को तो पुकारा जाता है। सामने तो मैं खड़ा हूं गंगा, मन में कब बसा लिया तुम? दिल पहाड़ थोड़ी ना है साहब, जहां से आवाज टकरा कर वापस लौट आए। दिल की आवाज तो दिल से टकराती है फिर वहीं बस जाती है। अब गंगा इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें तुम्हें सिखाता कौन है? गरीब की पाठशाला तो उसका दिल होता है साहब, फिर चाहे अच्छा हो या बुरा जो दिल चाहता है वही करता है। लेकर आई हूँ टीकम जीजा, कहाँ रखूँ? अरे गंगा, अरे आओ आओ, इतनी सारी लकड़ियाँ लेकर आई है, भाई वाह कमाल कर दिया। अरे बिंदु हाँ। देखो ये लकड़ियाँ कोने में रखवा दो और मैं जरा बाजार जाके आता हूँ, ये लो। कैसी है गंगा? आज बड़ी खुश नजर आ रही है, परदेशियों के आने से रौनक हो जाती है ना। अरे कुछ मत पूछ, काम भी तो बढ़ जाता है, देख अभी तक खाना भी नहीं बना, आज तो जरा मदद कर दे, जाकर कमरों की सफाई कर दे। ला दे झाड़ू। ए लड़की, ये कमरा तूने साफ किया? हाँ। ला निकाल मेरी घड़ी। कौन सी घड़ी? अरे कलाई वाली, और कौन सी? मुझे कोई घड़ी बड़ी नहीं मालूम। ओ, एक तो चोरी और उसके पर सीना चोरी। चल मेरे साथ, छोड़ दे मेरा हाथ। अभी बता दो कौन सी घड़ी। छोड़ दो मेरा हाथ, मेरी चोरी नहीं, छोड़ दो मेरा हाथ, मैंने आपकी घड़ी नहीं चुराई। चोर है, मैं चोर नहीं। पुलिस को बुलाता हूँ, खुद को खुद उगल देगी। मैंने चोरी नहीं की, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो साहब, मैंने चोरी नहीं की, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए साहब, दरवाजा खोलिए। खोल दूंगा, पुलिस से भी बचा लूंगा, बस घड़ी की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। साहब दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो साहब, कोई है? दरवाजा खोलो साहब। गंगा तुम? साहब मुझे कमरे बंद कर रखा है वो सब जबरदस्ती मुझसे। साहब दरवाजा खुलवाइए, दरवाजा खुलवाइए साहब। गंगा को तूने बंद किया? हाँ, उसने मेरी घड़ी चुराई है। क्यों? तू यहाँ का थानेदार है? छोड़ दे उसे, वरना मार मार के तेरा थोपड़ा बिगाड़ दूंगा। क्यों, तू उसका भाई लगता है? बताता हूं सर, इसने गांव की लड़कियों को कमरे बंद कर दिया है और उसके साथ जबरदस्ती है। सर ये झूठ बोल रहा है सर, उस लड़की ने मेरी घड़ी चोरी की है। आप एक मिनट रुकिए सर। चल सर इससे पूछे सर, इसने मेरी घड़ी चुराई है या नहीं? तुमने चोरी की है
पहाड़ी लोग गरीब जरूर होते हैं साहब, पर चोर नहीं। सर ये रही इनकी घड़ी। ये रही इनकी घड़ी सर। ये साहब और वो साहब कल अड्डे पर दारू पीने गए थे, नशे में इनकी घड़ी गिर गई। जो एक बच्चे को मिली उसने लाके मुझे दे दी, अब मैं आपको दे रहा हूं। ये है तुम्हारी घड़ी? जी वो। यस सर। देखिए इन पहाड़ वालों की ईमानदारी। तुम लोग अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हो? आते ही शहरों की गंदगी यहां फैलाने लगे। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? वापस चलो। आई गेट टू बोथ रेस्टिकेटेड। गंगा, गंगा तुम वहां से चली क्यों आई? इसमें उनका क्या दोष है साहब? शहरी लोग हैं, जैसा सीखा होगा वही करेंगे ना। पर शहर से तो मैं भी आया हूँ। तुम कपड़ों से शहरी हो साहब, मन से नहीं, वरना गंगा में इतना विश्वास नहीं करते। गंगा नाम की पहाड़न के लिए मारपीट क्यों करते? ये जरूर तुम्हारे परिवार के किसी बड़े बूढ़े का आशीर्वाद होगा जो तुम गंगा को इतना पूछते हो। आशीर्वाद मेरी दादी माँ का है और उन्होंने मुझे गंगोत्री से गंगा जल लाने को कहा है। रास्ता बंद ना होता तो मैं जरूर जाता। तुम गंगोत्री जाना चाहते हो साहब? अपना विश्वास और दादी माँ के प्यार को निभाने जाना तो चाहता हूँ। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी पहाड़ी रास्तों से। कल सुबह मुर्गा जब पहली बांग देगा तो मिलना मुझे नीचे वाली टेकड़ी पर। अच्छा, कल सुबह। कल सुबह मुर्गा जब पहली बांग देगा। साहेब रात को ही उठ के यहाँ चले आए क्या? तुम्हें कैसे पता चला? पता क्यों नहीं चलेगा साहेब, मुर्गा तो अब बांग देगा। अच्छा, संभलो साहेब संभलो, लुटिया दो और चलो मेरे साथ। कमाल है, तुम लोग के जादू टोना जानती हो? क्यों साहेब? अरे शहरों में तो यह भी पता नहीं चलता कि घड़ी का अलार्म कब बजेगा, और तुम लोगों जो मुर्गे की बांग तक का पता लगा लेती हो। मैं तो और भी बहुत कुछ पता लगा लेती हूँ साहब। क्या गंगा? आगे चलो, तुम्हें भी पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा? इन शहरी कपड़ों की हेकड़ी और क्या। जानते हो ना कहाँ जा रहे हो तुम? गंगोत्री, और गंगा बर्फों से निकलती है। थोड़ा और ऊपर जाओगे तो ठंड से तिलतिला जाओगे। अरे स्वेट का जैकेट है फ्रांस का, और ये अल्पाइन हैट स्विट्जरलैंड का। इन्हें मामूली सर्दी में आदमी पहन ले तो लू लग जाएगी लू, और रही ठंड की बात वो तो दूर खड़े होके कांपेगी। अच्छा चलो थोड़ी दूर, देखते हैं कौन कांपता है, ठंडी या तुम।
बोलो कौन कांप रहा है, ठंडी या तुम? मैं कहां कांप रहा हूं? तो फिर उतारो जूते और चले आओ। हाँ। गंगा पानी बहुत ठंडा है क्या? ठंडी में ठंडे पानी में जाने से गर्मी आ जाती है। हाँ राइट, हाँ अभी आ रहा हूं। तुम चलते कम हो और गिरते ज्यादा हो साहब। जानता हूं ना, गिरने से पहले गंगा संभाल लेगी मुझे, पर ये बताओ मैं अपने पांव कहां रखूं? जमीन पे। अरे मेरे पांव तले जमीन खिसक गई है गंगा, और गंगे मेरे पांव नंगे होकर ठंडे। जम गया, मर गया, कंबख्त दोनों का तो जगह पता नहीं चल रहा। किसका साहब? नाक और टांग का, और किसका? टांग तो सुन पड़ गई, नाक नाक तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा, अपनी जगह है कि भी नहीं। है तो अपनी जगह, लग नहीं रहा तुमको? नहीं।